गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त की में चल रही हमारी स्टडी में आज हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इनमें सबसे पहले है ऊष्मागतिक अवस्थाचर। किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की प्रत्येक साम्यावस्था को कुछ विशेष स्थूल चरों के विशिष्ट मानों के उपयोग से पूरी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी गैस की साम्यावस्था उसके दाब, आयतन, ताप व द्रव्यमान के मानों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। अर्थात उसे पूरी तरह से समझने के लिए इन सभी मानों की आवश्यकता हमें होती है। ये सभी ऊष्मागतिक चर जिनकी हमें आवश्यकता होती है एक साम्यावस्था को समझने के लिए, इनको मुख्य रूप से चार चरों के रूप में हम निर्धारित कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं दाब P, आयतन V, परम ताप T एवं एंट्रोपी S। किसी साम्यावस्था में साम्यावस्था का पूर्ण विवरण देने के लिए ये चारों चर स्वतंत्र होने आवश्यक नहीं है। सामान्यतः चार में से दो स्वतंत्र चर और शेष दो प्रतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल माने जाते हैं। साम्यावस्था को पूर्णतया वर्णन करने के लिए एक अवस्था समीकरण काम में लिया जाता है। अवस्था समीकरण क्या होता है? उस साम्यावस्था के दौरान ऊष्मागतिक अवस्था चरों में परस्पर संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण अवस्था समीकरण कहलाता है। अब ये जो मुख्य ऊष्मागतिक अवस्था चर हैं, इनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। पहले हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, हिंदी में कहते हैं विस्तारात्मक अथवा मात्रात्मक अथवा विस्तीर्ण चर। ये पदार्थ के विस्तारात्मक गुण होते हैं जो निकाय के आकार अर्थात पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा U, वॉल्यूम अर्थात आयतन V, एंट्रोपी S और गिब्स मुक्त ऊर्जा कैपिटल G। ऊष्मागतिक अवस्था चरों का दूसरा प्रकार है इंटेंसिव वेरिएबल्स, जिन्हें गहन अथवा अविस्तारात्मक या मात्रा स्वतंत्र चर भी कहते हैं। ये पदार्थ के वे गुण हैं जो निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करते, जैसे टेम्परेचर टी, प्रेशर पी, डेंसिटी रो, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कठोरता रिजिडिटी इत्यादि। कहने का तात्पर्य ये है कि विस्तीर्ण और गहन दोनों प्रकार के चर कैसे समझे जाए, इनको विशेष रूप से समझने के लिए स्पष्ट करने के लिए हम एक सामान्य निकाय पर विचार करते हैं। मान लें कि हमारे पास एक निकाय है और उसको हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, तो वे चर जो हर भाग में अपरिवर्तित रहते हैं उनको गहन चर कहते हैं।
अर्थात इंटेंसिव वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन जो परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका मान प्रत्येक भाग में आधा हो जाता है, उनको मात्रात्मक चर या एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि यदि निकाय को दो भागों में बांटेंगे तो उसके आंतरिक ऊर्जा U, आयतन V, टोटल द्रव्यमान M ये परिवर्तित हो जाएंगे। अतः ये विस्तीर्ण चर हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं। लेकिन दोनों भागों में दाब P, ताप T, घनत्व रो ये समान बने रहेंगे, अतः ये इंटेंसिव वेरिएबल्स अविस्तारात्मक चर हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्मागतिक विभव, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त वे फलन जो ऊष्मागतिक निकायों में परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करते हैं, ऊष्मागतिक विभव कहलाते हैं। ये मुख्यतः चार होते हैं, आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन F, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G और एंथैल्पी H। ऊष्मागतिक विभवों में परस्पर संबंध को दर्शाने वाले समीकरण मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिए गए, जो मैक्सवेल समीकरणों के रूप में फेमस हैं, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।